Hello students, welcome to Maluka Academy. I'm your science tutor and we are going to start with the chapter, the fundamental unit of life. Basically, जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उस तरीके में, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द टेक्निक, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द कंसेप्ट्स. सबसे पहले हम सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एनसीईआरटी एक्टिविटीज, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, तो हम पूरा एक दिन या फिर वट एवर इज द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू दैट हम एक्टिविटीज पे फोकस करेंगे. उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक सम टाइम फॉर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. हमें पता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सारा काम आ रहा है आपको, चाहे मतलब टेंथ में है चाहे ट्वेल्थ में है, एनसीईआरटी इज द की. सो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ने वाले हैं. ओके, so let us start with the first chapter, that is the fundamental unit of life. Aaj ke is topic mein, the fundamental unit of life mein, first of all we are going to deal with the introduction and history of the cell. उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सेल के बेसिस पे कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे बात करेंगे हम. सबसे पहले हमें इस चैप्टर के नेम का मतलब समझना है. एज यू कैन सी कि चैप्टर के नेम में हमारे पास दो वर्ड्स हैं, the fundamental and unit of life. Basically the fundamental is the first word and life is the second word. To fundamental ka matlab kya hota hai? Fundamental ka matlab hota hai basic. Okay, fundamental means basic and the next word is life. लाइफ की एक बहुत ही ज़्यादा डीप में डेफिनेशन होती है, उसके बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट लाइफ का मतलब है समथिंग दैट एग्जिबिट्स द लिविंग फीचर्स. जो लिविंग फीचर्स होते हैं हमारे, उनके बारे में हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक में, फंडामेंटल में, वी आर गोइंग टू टॉक स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली. स्ट्रक्चरली मतलब स्ट्रक्चरली भी बेसिक है एंड फंक्शनली मतलब फंक्शनली भी बेसिक है. नाउ इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद सेल. ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. सो सेल इज द स्ट्रक्चरली फंडामेंटल एंड फंक्शनली फंडामेंटल. मतलब स्ट्रक्चरली भी जो सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड फंक्शनली भी सेल है दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब देखो, हाउ, लेट मी एक्सप्लेन. कोई भी लाइफ फॉर्म है, उसको लाइफ बनने के लिए सेल जरूरी है. सेल फॉर्म्स, जैसे मैटर में हम बात करते हैं एटम की, मैटर में हम बात करते हैं एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, वैसे ही लाइफ फॉर्म का, किसी भी एनिमल का, प्लांट का, फंजाई का या बैक्टीरिया का भी जो बेसिक यूनिट होता है ना, दैट इज सेल. मतलब
स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कहां से शुरू होता है? बेस, मतलब नींव। नींव किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होता है? सेल होता है। ओके, नाउ फंक्शनली, फंक्शन होते हैं लाइफ के, लाइफ के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इट कैन बी रेस्पिरेशन, इट कैन बी डाइजेशन, इट कैन बी एक्सक्रीशन। ये सारे जो फंक्शनली काम होते हैं, दीज कैन बी परफॉर्म्ड विद इन अ सेल। ये सेल के अंदर परफॉर्म हो सकते हैं। सो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरली कैसे? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है बेसिक, वो सेल फॉर्म कर रहा है। एंड फंक्शनली कैसे? कि सेल के अंदर हर एक फंक्शन हो सकता है हमारा। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट सेल कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। शेप्स एंड साइज। शेप्स में कौन कौन सी शेप्स आ सकती हैं? सपोज फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक ओवल शेप, वी कैन टेक राउंड, वी कैन टेक इलोंगेटेड, वी कैन टेक स्पिंडल शेप। ओके, ये सारी शेप के सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। देन साइज, फ्रॉम सम माइक्रोमीटर्स अप टू मिलीमीटर्स। कुछ माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर्स तक हमारे जो सेल्स का साइज है वो वेरी कर सकता है। अब सेल्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं? कंसिडर अ ह्यूमन बींग। हमें पता है कि ह्यूमन बींग क्या है। ह्यूमन बींग इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। ह्यूमन बींग इज बेसिकली अ एनिमल जो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है। इसमें वी कैन टॉक अबाउट वेरियस ऑर्गन्स, है ना। ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं हमारे? लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, एवरी काइंड ऑफ ग्लैंड, बोन्स, ब्लड एक्सेट्रा। इनके जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। एवरी ऑर्गन हैज अ डिफरेंट फंक्शन। अगर वो ऑर्गन सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्वाइट सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, देन दे आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्गन सिस्टम, है ना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, लिवर है। दीज ऑल ऑर्गन्स आर कंबाइंड एंड फॉर्मिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। बट फिर भी उनका जो है लेबर डिविजन हुई हुई है, डाइजेशन करने के लिए भी लेबर डिविजन हुई है। सो हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एवरी ऑर्गन हैज स्पेसिफिक फंक्शन। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। तो उस स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, है ना, जो वो सेल का शेप एंड साइज वेरी कर जाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज करो कोई सिंगर है, कोई डांसर है, या फिर कोई एथलीट है, उसके काम के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी की अडाप्टेशन हो जाती है। एंड जिस भी टाइप का उसने काम करना होता है उसके अकॉर्डिंग उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाते हैं। सो वेरिएशन या ऑल्टरनेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंग की गई है? अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क। जिस जो काम उसने परफॉर्म करना है, जिस सेल ने जो काम परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू दैट अडाप्टेशन दैट सेल इज बेस्ट सूटेड टू इट्स शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम ये लेते हैं नर्व सेल की एंड फैट सेल की। ठीक है, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ नर्व सेल एंड फैट सेल। नाउ हमें पता है नर्व सेल का क्या फंक्शन है। नर्व सेल हैज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स, ट्रांसमिट सिग्नल्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा? इलोंगेटेड होना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेन से डिफरेंट मसल्स तक, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक,
इसके लिए उसको क्या है, लॉन्ग होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई द नर्व सेल इज हैविंग एन इलॉन्गेटेड शेप. बट ऑन द अदर हैंड अगर बात करें हम फैट सेल की, फैट सेल ने क्या करना होता है, इट हैज टू स्टोर द फैट. स्टोर द फैट फॉर वॉट? स्टोर द फैट फॉर एमरजेंसी कंडीशन, कि कभी भी अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन आ रही है, वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द ग्लूकोज और द फूड मटीरियल, तो फैट मेटाबोलाइज करके हमें एमरजेंसी कंडीशन में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो दिस इज द अनदर थिंग. अब फैट ने स्टोर करना, फैट सेल ने स्टोर करना फैट को, तो इसकी शेप क्या होगी उसके अकॉर्डिंग, कि मोर स्टोरेज है जो एकोमोडेट हो सके, मोर स्टोरेज एकोमोडेशन. इन दिस वे सेल है दैट इज द स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इट कैन हैव वेरियस शेप्स एंड साइजेस. शेप्स एंड साइजेस हमारे क्यों वेरी कर रहे हैं? शेप्स एंड साइजेस हमारे इसलिए वेरी कर रहे हैं ताकि कोई भी काइंड का सेल है वो अपना जो फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके. ये तो हमारी होगी बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द सेल में हमारे पास पांच नाम है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. फर्स्ट नेम इज ऑफ रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक बेसिकली, इट्स नॉट रॉबर्ट, इट्स रॉबर्ट. रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. Next, we have to talk about Leeuwenhoek. Approximately 10 years after the Robert Hooke. In 1676. Then we have to talk about Robert Brown. In the year 1831, then Schleiden and Schwann. In the year 1838, at last, after 20 years of Schleiden and Schwann, the name is Rudolf Virchow. This was all about the history of the cell. अब history की story क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे Robert Hooke के बारे में. Robert Hooke was the first person to observe a cell. ठीक है, सबसे पहले cell को किसने observe किया? Robert Hooke ने. कौन से year में observe किया? 1665 में. किस organ में या किस part में observe किया? Cork. कॉर्क में. ठीक है, किस टाइप के सेल को ऑब्जर्व किया? डेड सेल. शैंपेन की बॉटल देखी है, मतलब रियल में नहीं तो टीवी में देखी होगी जरूर, सबको पता होता है शैंपेन की बॉटल के बारे में. तो कॉर्क इज द कवरिंग ऑफ दैट बॉटल, कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कंसिस्ट ऑफ द डेड सेल्स. उसने वहां पे देखा क्या था? अब उसने देखा था हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स. हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स का मतलब है, आपने देखा ही होगा वैसे हनीकॉम्ब, दीस हेक्सागोनल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर आप कभी भी कॉक को देखोगे तो यू मे ऑल्सो एबल टू ऑब्जर्व दीस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. एंड उसने एक सिमिलर, मतलब ये सारे स्ट्रक्चर्स थे जो वो सिमिलर थे, तो इस पार्ट को उसने क्या बोल दिया? सेल. दिस पार्ट इज सेल, उसने सेल नाम दे दिया उसको. एंड सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज दैट मीन्स अ लिटल रूम. ठीक है, रॉबर्ट हुक की स्टोरी समझ आई? रॉबर्ट हुक
वॉज द पर्सन जिसने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया. अब हमारी सेल जो सेल की जो स्टोरी है, हिस्ट्री ऑफ द सेल है हमारी, शुरू हो रही है रॉबर्ट हुक से. तो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल. कौन से ईयर में? 1665 में. कहाँ पे ऑब्जर्व किया उसने? कॉर्क में. कॉर्क होता क्या है? बेसिकली अ वुडन पार्ट होता है, ठीक है, कॉर्क, जिसमें डेड सेल्स प्रोड्यूस डेड सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. सो रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया, जिसमें उसने डेड सेल्स को देखा. कैसे देखा? ही ऑब्जर्व्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड उसने उसको नाम दे दिया सेल. सेल का मतलब क्या है लैटिन लैंग्वेज में? लिटिल रूम्स. सो सेल वर्ड इज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. दैट वॉज द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट हुक. नाउ द नेक्स्ट नेम दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ल्यूवेनहुक. ल्यूवेनहुक इन द ईयर 1676 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10 साल बाद रॉबर्ट हुक के, उसने किया क्या? ही ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल ऑब्जर्व किया था, बट दैट वॉज द डेड सेल. अब अगर क्वेश्चन आ जाए दैट हु ऑब्जर्व द लिविंग सेल, फर्स्ट टाइम किसने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था? द आंसर इज ल्यूवेनहुक. फर्स्ट टाइम डेड सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? द आंसर इज रॉबर्ट हुक. फर्स्ट सेल को किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने. उसने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया जो थे माइक्रोस्कोपिक, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक सेल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब अगर इसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लिया तो कैसे देखा होगा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दैट इज अंडरस्टूड कि उसने माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा. तो उसने देखा कहाँ पे? माइक्रोस्कोप में देखा, बाय सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. अंडरस्टूड? नाउ ल्यूवेनहुक की स्टोरी दोबारा से रिपीट करते हैं. हु वॉज ल्यूवेनहुक? ल्यूवेनहुक वॉज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल दैट वॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बेसिकली इन द पॉन्ड विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप इन द ईयर 1676. अब आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर अप हो गया एंड MCQ क्वेश्चन भी कवर अप हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? अब अगर हमने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की बात की है तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ऑफ कोर्स यू नो अप्रॉक्सीमेटली 400 इयर्स पहले या फिर 350 इयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 350 इयर्स आज से पहले नहीं थी. ऑफ कोर्स इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं बन सकता था, तो उसने कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था. नाउ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. वैसे यू डोंट नीड टू नो इन डिटेल अबाउट दिस, बट 1831 में उसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. उसने पेपर पब्लिश करने के लिए दिया एंड द पेपर वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1833, ठीक है. बट बेसिकली आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने एंड कब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया? न्यूक्लियस ऑफ एटम नहीं, न्यूक्लियस ऑफ सेल, बायोलॉजी वाला सेल, इन द ईयर 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन. ओके, नाउ श्लेडन एंड स्क्वान. श्लेडन एंड स्क्वान से हमारी न्यू स्टोरी शुरू होती है एंड दैट इज द सेल थ्योरी. अब हम पहले वाले सारे पार्ट्स को इरेज करने वाले हैं सो दैट हम सेल स्टोरी को, सेल थ्योरी को अच्छे से समझ पाए. ओके, श्लेडन एंड स्क्वान बेसिकली दे वर्कड इंडिपेंडेंटली. इन्होंने इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम किया, बट फिर बाद में इनको पता लगा कि जो स्क्लेडन ने काम किया है वही स्क्वान ने काम किया है. तो दे वर्कड इंडिपेंडेंटली, बट इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बिल्कुल सेम थी, इसलिए सेल थ्योरी में दोनों का नाम आता है. एंड दे वर्कड इंडिपेंडेंटली ऑन द सेल
थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स दिए थे श्क्लेडन एंड श्क्वान ने। श्क्लेडन एंड श्क्वान ने क्या किया था, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसका जो क्रॉस क्वेश्चन है वो ये बन गया कि सेल थ्योरी किसने दी थी, श्क्लेडन एंड श्क्वान ने। इन विच ईयर, 1838 में श्क्लेडन एंड श्क्वान ने दो पोस्टुलेट्स दिए थे सेल थ्योरी के। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये तो पोस्टुलेट्स हैं हमारे सेल थ्योरी के जो श्क्लेडन एंड श्क्वान ने दी थी। अब मैंने आपको बताया कि श्क्लेडन एंड श्क्वान ने इंडिपेंडेंटली काम किया, तो श्क्लेडन वॉज बेसिकली अ बॉटनिस्ट। उसने क्या बोला था, उसने बोला था ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड सेल इज द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द प्लांट्स। ये जो पोस्टुलेट था ये श्क्लेडन ने दिया था, एंड श्क्वान ने वही बात की थी एनिमल्स में, ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द एनिमल्स। जब इनको पता चला कि इन्होंने सेम काम किया, तो इन दोनों का नाम आने लग गया सेल थ्योरी में, एंड ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स थे ये चेंज होके बन गए ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ओके। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी कैसे आई, किसने दी, कब दी, इंडिपेंडेंटली काम किया था बट वो एक साथ कैसे हो गया। नेक्स्ट इज रुडोल्फ विर्चो इन 1858, 20 ईयर्स आफ्टर दैट किसी ने सोचा कि वॉट इज द मेन थिंग, सेल अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है तो वो आता कहाँ से है, अराइज कहाँ से होता है। इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दिया रुडोल्फ विर्चो ने, एंड रुडोल्फ विर्चो का जो पोस्टुलेट था दैट वॉज द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी के 20 साल बाद ये पता चला कि न्यू सेल्स आते कहां से है, किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये बन गया हमारा थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस बन सकते हैं दैट व्हाट इज द सेल थ्योरी, अगर क्वेश्चन आया आपको व्हाट इज अ सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने आंसर करने हैं ये तीन के तीन पोस्टुलेट्स, ऑल द थ्री पोस्टुलेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी हु गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की बात किसने की थी, सेल थ्योरी को बनाया किसने था, Who gave the cell theory? तो इसमें आंसर हमारा आएगा श्क्लेडन एंड श्क्वान। हमने इसमें रुडोल्फ विर्चो का नाम नहीं लेना। तो रुडोल्फ विर्चो का नाम कहाँ पे लेना है, जब आपको कोई पूछेगा Who is Rudolf Virchow? What did he did? ठीक है, या फिर रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था, वो कौन है, उसका क्या मतलब की कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, ये सब क्वेश्चन आया, तो यू हैव टू राइट द आंसर दैट इज रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को दिया नहीं, बट उसने उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, और उसने एक बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया, दैट वॉज कि द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, नाउ इसका क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है दैट हु मॉडिफाइड द सेल थ्योरी. दैट वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द सेल. सो वी हैव डन विद दिस पार्ट, द इंट्रोडक्शन एंड द हिस्ट्री ऑफ द सेल. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों है, इसका आंसर दिया था. देन सेल कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, वो क्यों है इसके बारे में बताया था. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल. ऑन द बेसिस ऑफ सेल द ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड, इसकी दो क्लासिफिकेशंस हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हमने दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज द ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल्स के बेस में हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे हम कह सकते हैं दैट ऑर्गेनिज्म कैन बी, वन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. और मल्टीसेलुलर एंड टाइप्स ऑफ सेल के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को कि इट द ऑर्गेनिजम्स कैन बी आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.